डियर स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स पर एक नया एपिसोड आज आप देखेंगे। करंट अफेयर्स को लेकर हम लोगों ने जो प्लानिंग की है वो ये है कि 6 मंथ्स बिफोर का हम लोग करेंगे अच्छे से। आज उसी के तहत जून महीने से हमने उठाया है, जिसमें कंटेंट होगा दरअसल मई का या अप्रैल का। ये आप ध्यान रखेंगे, किसी भी मैगजीन में जो कंटेंट होता है वो कम से कम 1.5 महीने या 1 महीने पीछे के होते हैं। तो जून महीने के हम लोग मैगजीन से, जितने भी मैगजीन्स हैं जून मंथ के आप करें, उससे हमने ये कंटेंट उठाया है। 30 सुपर क्वेश्चंस हैं, इसे आप बनाएंगे, उम्मीद है कि आपको इसमें मज़ा आएगा, साथ ही जानकारी भी आपकी बढ़ेगी, आपका रिवीजन भी होगा। ये ध्यान रखें कि पहले 6 मंथ्स के हम लोग करंट अफेयर्स कर लेंगे, उसके बाद जैसे टाइम मिलेगा हम बैक जाकर कम से कम 1 साल पीछे के करंट अफेयर्स हम लोग कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग चलेंगे, पहले 6 मंथ्स बिफोर के करंट अफेयर्स बिल्कुल सैनिटाइज कर लेने हैं हमें, इस तरह से हमें करना है। ये आप जान लें कि पिछली बार जो 63वीं BPSC हुआ था उसमें अधिकतर प्रश्न 3 से 4 महीने पीछे के थे। जुलाई में एग्जाम हुआ था और अप्रैल या फिर मार्च या फिर मई के क्वेश्चंस थे, यानी कंटेंट थे उसमें। तो हम लोग चलिए आज इस 30 क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहे हैं आज इस एपिसोड से। आप रिवाइज करें, मेरा जो इसमें हमने जो कट ऑफ दिया है वो 25 प्लस का कट ऑफ रखा है। 25 प्लस का मतलब आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छे हैं। अगर 27 प्लस करते हैं तो आउटस्टैंडिंग, और अगर 20 प्लस करते हैं तो वेरी गुड। 20 से कम मतलब है कि आपको अभी मेहनत करना है, जल्द से जल्द रिवीजन में जुड़ जाना है, मैगजीन्स उठाने हैं, काम पे लग जाना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस पहले क्वेश्चन की, जो एक शानदार क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2018 में भारत का स्थान 133वां है, पिछले वर्ष की तुलना में इसमें कितने स्थान की गिरावट आई है। ध्यान से आप बनाएं, 5वां ऑप्शन भी दिया हुआ है। पिछले साल 2017 से इस साल के इस इंडेक्स में यह गिरावट कितने रैंक की है। जितना अधिक होगा स्थान मतलब वहां हैप्पीनेस इंडेक्स की स्थिति उतनी खराब है। तो ये आंसर हो जाएगा दरअसल 11। पिछली बार 122वां रैंक था। चलिए नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन। यह आप ध्यान रखें कि यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स इसे हर साल जारी करती है, यानी यूनाइटेड नेशंस की एक संस्था जारी करती है। आज का दूसरा प्रश्न, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। ध्यान दें, टाइम लें, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। आज का दूसरा क्वेश्चन, माफ करें तीसरा क्वेश्चन, किस विषय पर देश की सबसे बड़ी प्रदर्शनी डेफ एक्सपो 2018 का आयोजन चेन्नई में किया गया था। क्या टॉपिक था डेफ एक्सपो का, चेन्नई में आयोजित हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा, डिफेंस। डेफ का मतलब ही हो गया डिफेंस, एक्सपो का मतलब है एक्सपोजिशन यानी एग्जीबिशन, जिसका मतलब होता है कई चीजों को एक जगह इकट्ठा कर उसका प्रदर्शनी लगाना। आज का चौथा क्वेश्चन, यूनेस्को ने वर्ष 2019 के लिए किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया है, वर्ल्ड बुक कैपिटल। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, शारजा। 2003 में दिल्ली को भी वर्ल्ड बुक कैपिटल घोषित किया गया था। आज का 5वां क्वेश्चन, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में संपन्न 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत का प्रदर्शन कैसा रहा। ध्यान से आप बनाए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। भारत ने 3rd रैंक लाया, यानी भारत का प्रदर्शन पिछले सभी बार से सबसे बेस्ट था। आज का 6ठा क्वेश्चन, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के तहत किस राज्य को सबसे अधिक फिल्म अनुकूल यानी फिल्म फ्रेंडली स्टेट का दर्जा दिया गया है नेशनल अवार्ड्स के दौरान, ये किसको दिया गया है दर्जा।
तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी फिल्म निर्माण के लिए जो आधारभूत संरचनाएं जहां सबसे अधिक हैं, ऐसे में इस बार मध्य प्रदेश को यह अवार्ड दिया गया है। आज का सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संस्था की पहली महिला चेयरपर्सन देवजानी घोष नियुक्त हुई है? यह संस्था की पहली महिला चेयरपर्सन है। याद रखें, मैनली जहां पर होता है वहां पर चेयरमैन हम लोग बोलते हैं, लेकिन अगर महिला पुरुष दोनों का मामला होगा तो चेयरपर्सन यूज किया जाता है। आप सोच लें। तो इसका आंसर हो जाएगा नैसकॉम। नैसकॉम मतलब नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, यानी आईटी और बीपीओ इंडस्ट्रीज से रिलेटेड ये सबसे बड़ी संस्था है। इसकी पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई है देवजानी घोष। आठवां प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार मई 2018 में भारत की जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आरक्षित मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा का भंडार, वो आंकड़ा कितना पार कर गया? आप टाइम ले लें, सोच लें। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 800 अरब डॉलर पार कर गया। मतलब ये कि भारत के पास अब इतना डॉलर, यूरो, पाउंड, येन है कि भारत एक साल तक इंपोर्ट कर सकता है विदेशी वस्तुओं को। आज का नवा प्रश्न, फॉर्चून 2018 के अनुसार महानतम नेताओं की सूची में पहला स्थान किसे दिया गया है? फॉर्चून ने ग्रेटेस्ट लीडर्स की का एक लिस्ट, 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स का लिस्ट जारी किया है, इसमें टॉप पोजीशन किसे दिया गया है? सोच लें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, द स्टूडेंट्स को। दरअसल अमेरिका के फ्लोरिडा में डगलस स्कूल में अंधाधुंध फायरिंग में 17 बच्चों की मौत हो गई थी। ऐसे में बाकी बच्चों ने एक दूसरे को जिस तरह से बचाया, उस बहादुरी को इसका विषय बनाया गया है, यानी द स्टूडेंट्स, डगलस स्कूल फ्लोरिडा के बच्चों को ये सबसे महानतम लीडर्स का खिताब दिया गया। आज का दसवां प्रश्न, मिगुएल डियाज केनल ये किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं? सोच लें। मिगुएल डियाज केनल, तो इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा। देखिए ये बहुत ध्यान खींचने वाला खबर है, क्योंकि क्यूबा में कास्त्रो जो है, फिदेल कास्त्रो, उनका लंबा शासन रहा है। उसके बाद उनके भाई राउल कास्त्रो आए, लेकिन अब इन दोनों भाइयों ने अपनी सत्ता छोड़ दी है और अब इन दोनों भाइयों से अलग मिगुएल डियाज केनल राष्ट्रपति चुने गए हैं। दसवां, 11वां प्रश्न, किस देश ने अपने टाइम जोन को आधे घंटे आगे कर दिया है? सोच लें। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नॉर्थ कोरिया। साउथ कोरिया के साथ अपने टाइम को मैच करने के लिए अब वहां सुधारात्मक प्रयास चल रहे हैं। ऐसे में यह काम उत्तर कोरिया ने किया है। 12वां प्रश्न, विश्व में हथियारों के 3 सबसे बड़े खरीदार देश कौन से हैं? यह एकदम लेटेस्ट डेटा है, वेपन्स के वर्ल्ड के इंपोर्टर्स, मोस्ट टॉप 3 इंपोर्टर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारत, सऊदी अरब और मिस्र। ये एक नया डेटा आया है जिसमें यह बताया गया 3 देश सर्वाधिक आयातक हैं, जबकि अमेरिका, उसके बाद रूस और फ्रांस विश्व के 3 सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं हथियारों के। आज का 13वां क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल राष्ट्रों के प्रमुखों का शिखर सम्मेलन जिसे चोगम कहते हैं, कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, इसका कहां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ? हर 2 साल पर यह आयोजित होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन। देखिए जितने भी शिखर सम्मेलन है, इसका आप कॉपी में एक लिस्ट बनाते जाएं, इंडेक्स का भी आप लिस्ट बनाते जाएं। यहां पर यह लंदन है। यह ध्यान रखें कि हर 2 साल पर यह चोगम, जहां पर अंग्रेजों का शासन रहा वैसे देशों का यह संगठन है, चोगम यानी कॉमनवेल्थ देशों का संगठन। आज का 14वां प्रश्न, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपतियों का ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन 2018 में कहां संपन्न हुआ? सालों के बाद ये दोनों मिले, कहां मिले?
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पनमुनजोम में। ये दोनों के बीच एक डीमिलिट्राइज्ड जोन है, यानी शांति प्लेस जहाँ हम कहें, जहाँ पर कोई भी किसी की भी सेना नहीं होती। यहाँ पर एक गांव है पनमुनजोम, यहाँ पर इन दोनों की बैठक हुई थी। आज का 15वां प्रश्न, किस देश को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये बहुत बड़ी खबर निकल कर आई है कि भारत वर्ल्ड का सिक्स्थ बिगेस्ट नेशन है इकोनॉमी में, तो इसने किसे पछाड़ा है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फ्रांस। फ्रांस को पीछे छोड़कर भारत अब इस पोजीशन पे आ गया है। आप जान लें कि विश्व का सबसे अमीर देश अमेरिका है। आज का 16वां क्वेश्चन, किसे भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए वर्ष 2017 का दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की घोषणा हुई और फिर उन्हें यह अवार्ड दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विनोद खन्ना। मरणोपरांत उन्हें यह अवार्ड दिया गया है। आप जान लें कि दादा साहब फाल्के भारत के इंडियन सिनेमा के फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहलाते हैं, जिनकी पहली फिल्म 1913 में राजा हरिश्चंद्र आई थी और यह भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म थी। हालांकि ये मूक फिल्म थी, पहली बोलती फिल्म आलम आरा है। आज का 17वां प्रश्न, देश के इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के किस चीफ जस्टिस के विरुद्ध महाभियोग के लिए संसद में नोटिस जारी हुआ। ऐसा पहली बार हुआ कि चीफ जस्टिस के विरुद्ध संसद में प्रस्ताव आया। सोच लें ये कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जस्टिस दीपक मिश्रा। किसी भी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग जैसे प्रस्ताव के लिए, ये प्रेसिडेंट के महाभियोग जैसा होता है, जैसा हम कहेंगे, जिसके लिए 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो ये राज्यसभा में आया था लेकिन ये पूरी तरह से खरा नहीं उतर सका और ये गिर गया, तो ये प्रस्ताव पास नहीं हुआ। आर्टिकल 124 के तहत ये इसके लिए प्रक्रियाएं निर्धारित हैं। 18वां प्रश्न, मेक इन इंडिया के तहत देश के सबसे शक्तिशाली इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन का निर्माण कहां किया गया। मोस्ट पावरफुल 12,000 हॉर्स पावर का इसकी क्षमता है। टाइम ले लें। तो इसका आंसर हो जाएगा मधेपुरा, बिहार में मधेपुरा, जहां के लोकोमोटिव इंजन का कारखाना है, फैक्ट्री है, वहाँ 12,000 पावर का हाई यानी कि बहुत स्पीड से और हेवी गाड़ियों को चलाने के लिए इंजन काम आएगा। दरअसल फ्रांस की कंपनी एल्स्ट्रम है जिसने यहाँ पर सहायक संस्था के रूप में काम किया है और कर रही है। आज का 19वां प्रश्न, किस देश में 35 वर्षों के बाद फिर से सिनेमा हॉल यानी मूवी थिएटर को खोल देने की घोषणा की गई है। ये कौन सा देश है 35 वर्षों के बाद फिर से मूवी थिएटर्स खुल जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब में इन दिनों लगातार इस तरह के सुधार की प्रक्रियाएं चल रही हैं। आज का 20वां प्रश्न, राष्ट्रमंडल नवाचार सूचकांक, देखिए एक और इंडेक्स आ गया, आप इंडेक्स लगातार नोट डाउन करते जाएं। 2018 के सभी इंडेक्स हमें ध्यान में रखने हैं। ये देखिए कॉमनवेल्थ इनोवेशन इंडेक्स है, यानी ऐसे देशों का इंडेक्स जिसमें कॉमनवेल्थ के देश हैं, और ये इनोवेशन इंडेक्स है यानी नवाचार, नए नए आइडियाज़ को कौन सा देश सबसे ज़्यादा अपना रहा है, उसमें भारत का स्थान क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा 10वां, 10th पोजीशन है, जबकि टॉप पोजीशन पे ब्रिटेन, सिंगापुर और कैनेडा है। आज का 21वां क्वेश्चन, 21st नंबर ऑफ क्वेश्चन, भारत ने किस देश के साथ अवैध प्रवासियों की वापसी से संबंधित समझौतों पर MOU साइन किया है। इलीगल माइग्रेंट्स जो विदेश चले जाते हैं और फिर उनकी जो लिमिट है रहने की वो समाप्त हो जाती है लेकिन वो लौट कर नहीं आ पाते, तो ऐसे लोगों को देश में वापस लाने के लिए एक समझौता किया गया, किसके साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन और आयरलैंड। आज का 22वां क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल 2018 का खिताब किस टीम ने जीता। ध्यान से सोचकर आप आंसर करें। तो इसका आंसर हो जाएगा केरल।
केरल ने वेस्ट बंगाल को हराकर यह खिताब जीता है। फुटबॉल की का ये एक बड़ा टूर्नामेंट है, इसका आपको ध्यान में रखना चाहिए। बीपीएससी में संतोष ट्रॉफी पहली भी आ चुका है। संतोष ट्रॉफी 1941 में पहली बार खेला गया था, अब केरल ने इस साल इसे जीता है। 23वां क्वेश्चन, भारतीय सेना का वायुसेना का गगन शक्ति युद्धाभ्यास 2018 कहां संपन्न हुआ? ये एयरफोर्स का दरअसल ये एक्सरसाइज था, गगन शक्ति युद्धाभ्यास, ये कहां हुआ क्षेत्र आपको बताना है। अब सोच ले, टाइम ले ले। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान जोधपुर। इसमें सेना के सभी टुकड़ियों ने भाग लिया था और यह बड़ा विशाल युद्धाभ्यास था। आज का 24वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, ये बहुत महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, कार्बन उत्सर्जन पर जारी हुआ है, इसमें आपको दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि दोनों कथन किस तरह से सही या गलत है। विश्व कार्बन उत्सर्जन में 2/3 हिस्सेदारी अमेरिका की है, एशिया में कार्बन उत्सर्जन घटा है, क्या एक सही है कि क्या दो सही है, दोनों सही या दोनों गलत है, या फिर इनमें से कोई नहीं, सोच लें। ये टाइम लेकर बनाने वाला प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों गलत है, डी। दरअसल ये उल्टा हो गया है, विश्व कार्बन उत्सर्जन में 2/3 हिस्सेदारी एशिया की है, अमेरिका की नहीं। साथ ही एशिया में कार्बन उत्सर्जन घटा नहीं है बल्कि बढ़ा है, हालांकि अमेरिका में कार्बन उत्सर्जन घटा है। तो यहां दोनों गलत हैं। आज का 25वां क्वेश्चन, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत कच्चे स्टील के उत्पादन में 2 स्थान पर है, पहले स्थान पर कौन है? रॉ स्टील प्रोडक्शन में भारत सेकंड पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन पे कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, चाइना। आज का भारत ने जापान को पीछे छोड़कर ये 2 पोजीशन हासिल किया है। आज का 26वां क्वेश्चन, कड़कनाथ मुर्गे के लिए किस राज्य को भौगोलिक संकेतक यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग सर्टिफिकेट दिया गया है? यानी अब इस काले मुर्गे पर उस राज्य का ज्योग्राफिकल अधिकार होगा, सोच ले। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दरअसल ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया मिलकर इस तरह के सर्टिफिकेट जारी करती हैं, जिससे उस राज्य पर उसका अधिकार होता है कि वो वस्तु ओरिजिनली उस क्षेत्र से बिलोंग करती है। जिस तरह के रसगुल्ला के लिए वेस्ट बंगाल को ओडिशा के जगह पर GI टैग दिया गया है। आज का 27वां प्रश्न, पद संभालने के बाद यानी 2011 के बाद उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन ने अपनी पहली विदेश यात्रा कहां की? फर्स्ट फॉरेन ट्रिप। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, 5वां ऑप्शन, क्योंकि पहली विदेश यात्रा पर ये चीन गए थे, तो ये ध्यान में हमें रखना है। आज का 28वां क्वेश्चन, सरकारी विद्यालयों में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए किस जिले को कलाम इनोवेशन इन गवर्नेंस अवार्ड दिया गया है? यानी IT का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करके किस तरह से ये अवार्ड दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, बांका। दरअसल APJ अब्दुल कलाम सेंटर दिल्ली इस तरह का अवार्ड देती है, जब लोगों के बीच ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार जब काम करती है तो उसके लिए यहां पर इस जिले को चुना गया, जिला के अधिकारी को यह अवार्ड दिया गया। आज का 29वां प्रश्न, बिहार बजट 2018-19 में सर्वाधिक बजट किस विभाग के लिए आवंटित किया गया? 2018 का जो 19 का जो बजट आया उसमें मैक्सिमम एलोकेशन किस डिपार्टमेंट को गया है बिहार से रिलेटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एजुकेशन यानी शिक्षा विभाग।
केवल 14,000 करोड़ सर्व शिक्षा अभियान पर जाता है, मिड डे मील पर भी बड़ी बहुत बड़ा जो पैसा है वो जाता है, तो शिक्षा विभाग पर सबसे ज़्यादा बजट एलोकेट है। आज का 30वां और अंतिम क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और ध्यान खींचने वाला। बिहार में स्मार्ट सिटी के तहत कितने शहरों का चयन किया गया है? टोटल 100 स्मार्ट सिटीज का सिलेक्शन हुआ है। बिहार के कितने शहरों का चयन हुआ है? आप ध्यान से टाइम लें तो इसका आंसर हो जाएगा 4। दरअसल भागलपुर, बिहार शरीफ, उसके बाद मुजफ्फरपुर और पटना, ये 4 शहरों को स्मार्ट सिटी के लिए चुना गया है। तो आज का ये एपिसोड यहीं तक रहेगा। उम्मीद है कि आपने अच्छे स्कोर्स किए होंगे, काउंट करें और अगर संभव हो तो कमेंट भी करें, बताएं कि आपने क्या स्कोर्स किए हैं। और ये ध्यान रखें कि आप अगर 20 से कम वाले हैं, निश्चित रूप से काफ़ी लोग होंगे, तो आप दिल छोटा ना करें। अभी हम लोगों ने स्टार्ट लिया है, हम लोग तैयारी करेंगे। 6 महीने पीछे के मैगजीन्स को बिल्कुल वॉश आउट कर देना है, ठीक है? अपने रिवीजन को लगातार करते रहें। आपके 10 टॉपिक्स कुछ घंटों के बाद आएंगे, आज थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो इस तरह से जल्द आपके पास ये टॉपिक्स आएंगे। अपना ध्यान रखें, मुझे इजाज़त दें, टेक केयर।